आप बताइए कि मोहब्बत का रास्ता किस तरफ जाता है? ऑफ कोर्स हॉस्पिटल की तरफ। वेल डन। नेक्स्ट आप नवाज साहब, आप बताइए कि मोहब्बत अंधी होती है? मोहब्बत अंधी तो होती है, लेकिन हमसायों की आंखें होती है। ओके नसीम विकी साहब, दूसरी शादी कब होती है? पहली शादी के बाद। वेल सेड। एंड तारिक साहब, आप बताइए कि अमूमन खवातीन को ब्रेन ट्यूमर क्यों नहीं होता? उनमें ब्रेन होता ही नहीं। गुड। इसके लिए पॉइंट्स देने से पहले ही -10 पॉइंट्स। अच्छा ठाकुर साहब, वो कौन सा काम होता है जिसको करने से लोग हमेशा आपको याद रखते हैं? ऑफ कोर्स उधार लेना। लगता है कि या आपने लोगों को बहुत उधार दिया हुआ है, या आपको बहुत से लोग उधार ओ करते हैं। याद रहता है। नवाज साहब प्लीज उनके पैसे वापस कर दें। और अब आप बताइए कि बीवी कब अच्छी लगती है? जब वो दूसरे की हो। आज आई थिंक सब अपने घरों से लड़के आए हैं या बीवियों से कुछ मार कुटाई हुई है। बट एनीवे, मूविंग ऑन, विकी साहब मुझे ये बताइए कि अगर आइसक्रीम दांतों को ठंडी लगती हो तो क्या करना चाहिए? उबाल कर खानी चाहिए। एंड तारिक साहब, लास्ट क्वेश्चन विच इज टू यू, अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा हो तो क्या करना चाहिए? आईने के सामने से हट जाना चाहिए। That is the end of that state, well, that segment and that statement also. तो आपके पॉइंट सबको मिलते हैं 200 पॉइंट्स ठाकुर साहब, थैंक यू, 20 पॉइंट्स फॉर यू, जो भी आपका नाम है, विकी साहब आपके भी 200 पॉइंट्स और आपके 190 क्योंकि आपको -10 पॉइंट्स हुए औरतों की तरफ एक अनकाइंड स्टेटमेंट पास करने के। इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि तीसरी दफा जब आपकी बारी स्टार्ट होगी तब आपको स्टोरी को रैप अप करना है। क्लियर? राइट। सो वन लाइन, यू कम बैक अगेन, यू गो बैक एंड देन ये यहाँ से आपने एंडिंग देनी शुरू करनी है। क्लियर? थर्ड राउंड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं स्टोरी, बट जल्दी जल्दी करना है ताकि एक उसकी फ्लो बनी रहे। लेट्स गो। ठाकुर साहब, एक बंदा दरिया में तैर रहा था, अचानक सामने से मगरमच्छ, उसने बंदे को खाने के लिए अपना मुंह खोला और बंदे ने उसको कुतकुतारियां करनी शुरू की, लेकिन वो मगरमच्छ घबराया नहीं, उसने डुबकी लगाकर उस बंदे की टांग पकड़ ली और आदमी ने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और उसको अपने मुंह में दबाया। बंदे ने उसको बचने के लिए खुदा के वास्ते दिए, तरने दिए, उस मगरमच्छ ने यूं करके चकानी दी और फिर जाके वो यूं करके गिरा और दूसरी तरफ से उसने जाके बंदे की फिर टांग पकड़ ली और टांग पकड़ने के बाद उस आदमी ने उसके मुंह पे चपेड़े लगाए, लेकिन मगरमच्छ को कोई असर नहीं हुआ, उसने उसको अपने मुंह में दबाया, उसकी जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि उस बंदे की आंख खुल गई, वो ख्वाब देख रहा था। वेरी वेल डन। आप सबको 500 पॉइंट्स ईच। आज सबकी परफॉर्मेंस ऑन पार एंड वेरी वेल डन जा रही है। एंड ऑफ कोर्स जवाब साहब, आपकी एज के लिए आपको 10 एक्स्ट्रा। अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का जिसको आई लाइक टू थिंक ऑफ एज कॉमेडी इन पेयर्स। हमारे दो कंटेस्टेंट्स एट अ टाइम आगे आएंगे और वो पेयर्स में परफॉर्म करेंगे मगर इन कैरेक्टर। सो सबसे पहला हमारा पेयर है इफ्तिखार ठाकुर साहब एंड नसीम विकी साहब, आप आगे आ जाए। ठाकुर साहब, आप एक चश्मे के दुकान के ओनर हैं, शॉपकीपर हैं, एंड विकी साहब आप आए हैं चश्मे खरीदने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक ठाक है आप? ओहो भाईजान मैं इधर हूँ। हाँ, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ये आप कहा था ना? जी फरमाइए। भाईजान वो मेरी ना दूर की नजर कमजोर है। क्या कह रहे हैं आप, दूर की नजर कमजोर है? जी दूर की नजर कमजोर है मेरी। अच्छा। हाँ जी। ओ वो सामने दूर जरा देखिए क्या है, सूरज है, आप सूरज देख सकते हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी नजर कमजोर है। अगर आपकी नजर कमजोर है तो फिर
मेरी दुकान पर क्या लेने आए? देखिए मैं अपनी नजर के लिए कोई चश्मा खरीदने के लिए आया हूँ, आप मुझे एक चश्मा दे देंगे? इससे वाकई साबित हो गया कि आपकी नजर वाकई बहुत कमजोर है। ओ भाई जान, ये चश्मे की दुकान नहीं, ये गोश्त की दुकान है और मेरा नाम है जुगनू कसाई। बाहर आपने बोर्ड नहीं पड़ा, जुगन मीट हाउस। माइनस 1000 points ठाकुर साहब के फॉर मेकिंग फन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल होस्ट। अब आती है हमारे, क्या अब आप सब तो रोटी खाते हैं, बट डबल रोटी खाएगा, ये तो आटा भी खा जाते हैं। आई नो यू आर वेरी अपसेट अबाउट रोटी चिन्ना, बट मैंने अच्छे तरीके से चेकअप कर लिया है, इस मुल्क को कोई बीमारी नहीं है, बस रोजी रोटी का मसला है, वो ठीक हो जाए तो सब ठीक है। वेरी गुड मैसेज, वेरी गुड, इसके आपको 100 points वैसे ही अता फरमाते हैं। थैंक यू, वेरी नाइस मिस्टर जवाद, आप और आपकी टोपी आके परफॉर्म करेंगे। खवातीन हजरात, ये वो तख्ती है जिसे मैं हर तंदूर पर लगवाना चाहता हूँ और इस पर लिखवाना चाहता हूँ कि खुदारा रोटी चाहे जितनी महंगी कर दो लेकिन रोटी के नाम पर पापड़ तो ना बेचो। वेरी इमोशनल स्पीच सर, वेरी गुड, आप तख्ती और अपने आप को उसके अंदर डालें। एंड चलिए जी ठाकुर साहब, अब आपकी बारी है, कोशिश कीजिएगा कि आप उस प्रॉप बॉक्स में गिरिए ना। दोस्तों मैं अंधा जरूर हूं मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मुझे नजर नहीं आता। आप मेरे सामने रोटी रखें, मैं जल्दी जल्दी खाकर आपको बता सकता हूं ये रोटी है या नान। स्वीट, वाह, आ जाइए जी। रोटी रोटी रोटी। वेरी वेल डन विकी साहब, आप कुछ एज यूजुअल टेंशन के मरीज। ये मछलियां पकड़ने वाला कांटा है, इससे लोग दरियाओं पे जाके मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन इसका एक और भी फायदा है कि आप शादी ब्याह की तकरीबात पर इससे सालों वाला डोंगा भी उठा सकते हैं और रोटी भी। बिल्कुल विकी साहब, आप जैसे जेंटल इंसान कहीं इससे खुद अपनी कोई आंख पैर शेर ना निकाल लें। मिस्टर जवाद, ये एक तारा इसलिए नहीं बज रहा कि मुझे बजाना नहीं आता, लेकिन मैं रोज से बजाना सीख रहा हूं क्योंकि मैं थोड़े दिनों में यूरोप जाने वाला हूं और मैंने सुना है कि यूरोप रात को सड़क के किनारे बैठ के अगर कुछ साथ बजाए तो रात की रोटी अच्छी मिल जाती है। वेल डन।